हाय गाइस, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो है फादर्स डे के ऊपर और साथ ही साथ मैं आपको www.zx7.com जो कि एक जॉब सर्च वेबसाइट है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। मिक्कू बेटा, बहुत सो लिए, अब उठ जाओ। ठीक है मम्मी। अरे बेटा, इतने जल्दी क्यों उठ गए? छुट्टियां चल रही हैं, आराम से उठते। वही तो, मम्मी ने बोला थोड़े दिनों में स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो मेरी रूटीन खराब हो जाएगी, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा। ये तो और अच्छी बात है। अच्छा बेटा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, हाँ शाम को मिलते हैं। ठीक है बाबा, बाय बेटा। बाय बाय। थोड़े दिनों में ना फादर्स डे आ रहा है, पापा मालिक कितनी मेहनत करते हैं, पापा के लिए ना कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान करना पड़ेगा। भाई भाई, टोपी, जिंदगी भर टोपा रहेगा क्या तू? सॉरी भाई। अबे अंग्रेजी मत जा, काम की बात कर रहे। भाई एक मिशन आया है। काहे का मिशन है बे? अरे भाई अपना चिंच पोक लेगा। अबे तो मेरा थोबड़ा क्या देख रहा, चल ना कोपचे में ले डाल दे। चलो ना। अरे सिक्स देना। पांक। हाँ आगे पापा। हाँ बेटा आ गया। क्या बात है, बड़े थके हुए लग रहे हो। निपटा डाला ना सबको। निपटा डाला? Oh no! अरे बेटा काम को निपटा डाला, काम को। अच्छा। डिनर लगा दिया है, दोनों जल्दी आ जाओ। हाँ अरे हाँ अरे चल चलो बेटा। हो गया बेटा रेडी? हाँ पापा। देखो बेटा, स्कूल का पहला दिन, मन लगा के पढ़ाई करो। जी बाबा। अच्छा मैं भी ऑफिस निकल रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। चलो हाँ। कोचू पैसा चाहिए, काम हो गया पैसा क्या? अबे उधरी छोड़ डालेंगे उधरी। पापा और इस समय यहाँ पे? लेकिन इस समय तो पापा ऑफिस में होते, जाके देखते हैं। अरे मिक्कू कैसा रहा तेरा स्कूल? अच्छा रहा टिपेंद्र चाचा, लेकिन पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Oh, no. पापा वो तो ऑफिस में रहेंगे ना। अरे पापा तो पीछे खड़े हैं आपके। अरे नहीं, तुझे गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। ये पापा कहाँ चले गए? मैंने बोला था ना तुझे गलत फहमी हुई। नहीं मुझे गलत फहमी तो हुई, लेकिन इस टाइम तो आप भी ऑफिस में रहते हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं वो फाइल लेने आया था। फाइल लेने आए थे? अच्छा ठीक है दीपेंद्र चाचा, बाय बाय बाय। क्या भाई तुमने तो हार्ट अटैक दे दिया क्या? नहीं 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 कुछ नहीं कुछ। देख दीपेंद्र, अपने को जो भी काम करना है सोच समझ के करना है। अरे हाँ भाई, दो डालेंगे ना। क्या दो डालेंगे, क्या दो डालेंगे? Oh, no. अरे बेटा उसके हफ्ते भर के कच्चे पड़े हैं, उसके धोने के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा बेटा जो हेलो आइसक्रीम खा के जाओ बाहर जाओ। ठीक है पापा। कितनी बार बोला तेरे को, हाँ घर में रहकर तो जबान संभाल के बात क्या कर। अरे भाई अपनी जबान जरा फिसल गई।
ज्यादा फिसलेगी ना तो एक दिन काट दूंगा, फिसलने के लायक भी नहीं रहेगी। नहीं भाई सॉरी 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 भाई। चल अरे ये आदमी तो बिल्कुल पापा जैसा लग रहा है। अरे वो आदमी तो बिल्कुल टिपेंद्र चाचा जैसा लग रहा है। मैंने सुना है कि इस दुनिया में ना एक शक्ल जैसे सात लोग होते हैं। पक्का ये इन दोनों की हमशक्ल होंगे। ये तो पापा और चाचा बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन चाचा और पापा लड़ाई नहीं कर सकते इन लोगों की तरह। आगे पापा। हाँ बेटा। पता है क्या हुआ, आज जब मैं स्कूल से वापिस आ रहा था ना तो मैंने आप दोनों के हमशक्ल देखे जो कि किसी से पिट रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मेरे पापा तो किससे लड़ाई करते नहीं, वो किसी से क्यों लड़ेंगे। अरे आप दोनों के सर में चोट कैसे लगी? ओह नो। वो बेटा क्या है, टिपेंडर का स्कूटर। स्कूटर मेरा मतलब स्कूटर फिसल गया था इसलिए दोनों को चोट लग गई। अरे आप अपने टिकोटर मतलब स्कूटर को संभाल के चलाया करो ना। हाँ बिल्कुल। देखो बेटा जाओ मम्मी से दवा लेकर आओ लगाने की। हाँ। कमबख्त ने बहुत जोर का डंडा मारा है। हाँ भाई। अरे बिकू। हाँ। इतने टेंशन में क्यों है? अरे पापा एक हफ्ते से गायब है टिपेंद्र चाचा, पापा का कुछ अता पता नहीं है, ना फोन किया है ना मैसेज, लगता है मुझे ना पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पापा ऑफिस के काम से टूर पे गए। पापा टूर पे गए? हाँ। आपको ये किसने बताया? तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था ना तो तेरे पापा ने मुझे कॉल किया तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए। अच्छा। बोल बे। अबे पता है मीकू पुलिस को कंप्लेंट करने वाला था। अबे पुलिस के डर से तो अपुन यहाँ चुपके बैठे ला है। वैसे क्या बहाना बनाया तूने? अबे मैंने उसे बोल दिया कि आप ऑफिस के काम से टूर पे गए हो। अबे अपुन के साथ रह रहे के तू भी सीख क्या? चल अपुन कल आता है। हाँ हाँ भाई। पापा। हाँ बेटा। पापा कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा बेटा। संडे के दिन ऑफिस? बेटा काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है इसलिए संडे को भी जाना पड़ता है। अच्छा। पापा क्या क्या छुपा रहे हो? अरे मेरी मोबाइल है बेटा, मेरी मोबाइल है ये। मोबाइल? अच्छा 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 बेटा शाम को मिलते हैं। चलो बेटा बाय। बेटा बाय बाय बाय। आज तो खाना खा के मजा ही आ गया। हाँ बेटा तेरी मम्मी ने आज बड़ा मस्त लंच बनाया। हाँ भाई। हाँ भाई। हाँ क्या हुआ पापा, फोन क्यों उठा रहे हो? अरे बेटा कुछ नहीं, वो कंपनी वालों का फोन है, बेकार में डिस्टर्ब करते रहते हैं। हे टूबी चल टेरेस पे सैर करके आते हैं। चलो भैया। अबे कितनी बार बोला घर पे फोन नहीं करने का। हाँ बोल। हाँ काम हो जाएगा। तू भी मिशन आला है, टाइम पे वसूली होनी चाहिए, कोई मच नहीं चाहिए अपने को, समझा ना। और पुलिस का भी कोई दफला नहीं चाहिए अपने को।
मिकू मिकू बेटा। पापा आपने इतने साल तक हमसे ये सच्चाई छुपाए रखी, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर हमको आपके बारे में पता चलेगा तो हमको कैसा लगेगा? आई हेट यू पापा, आई हेट यू। ऐसा मत बोलो बेटा, मैं ये सब तुम लोग की भलाई के लिए कर रहा था बेटा, तुम लोग को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कर रहा था। नहीं चाहिए हमको ऐसी जिंदगी। आप हर रोज ऑफिस का बहाना करके गुंडागर्दी करने के लिए निकल जाते थे, आप एक अच्छी जॉब कर सकते थे, मेहनत से हमारा पेट पाल सकते थे। रुको मेरे को बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के बाद चाचा चाची दादी का जुल्म हम भाई बहनों माँ पे बढ़ते गया। हमें एक वक्त खाना देते थे वो लोग। मैंने देखा कि इस जमाने में कमजोर का कोई सहारा नहीं होता, इसलिए बेटा मुझे मजबूरन ये रास्ता चुनना पड़ा। लेकिन क्यों पापा, आपने कभी सोचा है कि अगर आपको कल जेल हो गई या आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमारा भी वही हाल होगा जो आपके साथ हुआ था। पापा आप मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे, आप गलत रास्ता नहीं अपनाओगे। पापा प्रॉमिस करो। हाँ मेरे को बेटा, तो ठीक कह रहा है, मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। हैप्पी फादर्स डे पापा। मेरे लिए? हाँ पापा। हो गया मेरा बेटा रेडी? हो गया मेरा बेटा रेडी? डिनर लगा दिया, चलो डिनर कर लो। हां कर बोल ले। इतना अच्छा लंच बनाया था। अरे मजा ही आ गया। हाँ भाई। अरे अरे टिपेंटर टिपेंटर करती हर स्किल्स एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी डिजर्व करती है, उसके बाद भी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं होती कि कितनी कंपनीज हैं, उसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं और उसमें कैसे अप्लाई करें। तो आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ZX7 करेगा। आपको क्या करना है कि आपको ZX7 की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद ZX7 का एक एक्सपर्ट आपका एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाएगा आपकी स्किल्स और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपको कौन सी लोकेशन चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, लाइक सैलरी ग्रोथ एंड इंडस्ट्री, आपका रिज्यूम कंपनीज में अप्लाई करेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ZX7 इंटर्नशिप और आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको जॉब ढूंढने में मदद करेगा। तो ZX7 को ज्वाइन करें, उनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ZX7 के बारे में और जानने के लिए उनकी ऑफिशियल वीडियो जरूर देखें। Hi guys, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और हमें ये भी बताएं कि हमें और कौन से न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए। ये फादर्स डे आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोर मी।